तो गाइस अगर आप लोगों को भी करना है इस तरीके का फुल HD फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग तो भाई वीडियो को जरूर शुरू से एंड तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, सिंपली अपना जो फोटो है फोटो को इंपोर्ट कर लेना है Adobe Lightroom ऐप में, ठीक है। ऐप सिंपली प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। सो Lightroom ऐप में फोटो इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आप लोग देख सकते हो फेस कितना डार्क है, ठीक है। तो हम सब कुछ चेक करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना जो फोटो है फोटो को क्रॉप कर लेंगे। आप इनमें से कोई भी रेशियो में आप अपना फोटो को क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली ये वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला रेशियो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर राइट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, देन आपको एडिटिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है हम लाइट एडजस्टमेंट करेंगे, तो सिंपली लाइट पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनुअली लाइट एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने शैडो को इंक्रीज कर दिया हूँ और ब्लैक को भी इंक्रीज कर दिया हूँ, ठीक है। इससे हमारा जो फोटो के डार्क थे वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, ओके। देन आपको सिंपली आ जाना है इस कलर्स वाला टूल्स पे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कलर्स, ये वाला आइकॉन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो मिक्स टूल है यहाँ पर चले जाना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब दूसरा वाला कलर। इसका सैचुरेशन आपको डाउन करना है और जो लुमेंस है उसको पूरा हाई करना है, ठीक है। इससे आपका फेस वाइट हो जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों को जो बाकी कलर है यहाँ पर साइड पे दिख रहा है येलो ग्रीन ब्लू, ये कलर को आप लोग आपके फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग ज़रूर देख लेना। सो यहाँ पर मेरा कलर कलेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ पर और थोड़ा सा सैचुरेशन डाउन कर देता हूँ, इससे हमारा फेस और भी वाइट हो जाएगा और लुमेंस को मैंने हाई कर दिया। देन मैं सिंपली डाउन पर क्लिक कर दूंगा एंड अभी आ जाऊँगा कहाँ पर भाई, यहाँ पर जो कि फिर से लाइट टूल से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सिंपली जाना है कर्व्स पे, कर्व्स टूल पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर एक डॉट पर क्लिक कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉट पर क्लिक कर लेना, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लिक करके डॉट करना है और ये वाला डॉट को आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। इससे आपका फेस पूरा वाइट हो जाएगा, मतलब फेस की सभी जगहों पे एक ही लाइट आएगा, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो। सो उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर इस टूल पर, इफेक्ट्स वाला टूल्स पर एंड इसका जो क्लैरिटी है क्लैरिटी को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ओके, और शार्पनिंग को भी हम हल्का सा बढ़ाएंगे और यहाँ पर कलर्स पे आने के बाद वाइब्रेंस को हम हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो Lightroom ऐप में हमारा काम इतना ही था, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी देखने में। तो लाइट एडजस्टमेंट एंड कलर ग्रेडिंग के काम खत्म हो चुका है। अभी हम इस फोटो को शेयर कर लेंगे हमारा Autodesk स्केच बुक ऐप में, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर फेस को स्मूथ करेंगे, कपड़ों की कलर चेंज करेंगे एंड और भी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखते रहे। सो यहाँ पर Autodesk ऐप में हमारा फोटो इंपोर्ट हो चुका है। सबसे पहले हम इसका एक कॉपी लेयर कर लेंगे, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पर देखे तो मैं फोटो जूम करके देख सकते हो, तो फेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। देन आप लोग को यहाँ पर स्मार्ज वाला जो कैटेगरी है उनमें से आप लोग को सेकेंड वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इसका सेटिंग्स भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हो। साइज अपना वो तब से रखना और फॉलो और स्ट्रेंथ को आप लोग को 5:5 रखना, ठीक है, और साइज अपना अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है। देन आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्रॉस कर देना है और फोटो को कर लेना है जूम, ठीक है, जितना जूम हो जाएगा उतना कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक डॉट दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, ओके। देन आप लोगों को साइज कम ज़्यादा करके सिंपली फेस के ऊपर से अप्लाई करते जाना है ये वाला ब्रश, तो आपका फेस बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ होते जाएगा, ठीक है। तो भाई देख सकते हो बस एकदम बढ़िया तरीके से स्मूथ हो रही है। सो वीडियो को आप लोग बने रहे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर दूँ वीडियो को, नहीं तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग फेस स्मूथ हो ही गया है। यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ पर बाकी रहेगा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देन आप लोग को लाइब्रेरी पे आने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना, इसका भी अमाउंट आप लोग देख सकते हो 5:5, और उसके बाद वो वाला ब्रश चलाने के बाद ये वाला ब्रश से आपको फिर से और एक बार स्किन के ऊपर से चला देना है, ठीक है। इससे
मतलब बढ़िया तरीके से और भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कानों में थोड़ा सा छूट गया है, ये भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा छूट गया है। आप लोग जितना टाइम दे करके मतलब धीरे धीरे करोगे ना एडिटिंग, उतना आपका फेस स्मूथ अच्छा होगा। ठीक है, तो भाई आप लोग को टाइम तो ज़रूर देना ही पड़ेगा, है ना, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा बनेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने और एक प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके लेयर क्लिक कर लूँगा, और इसका जो लेयर वाला मोड है उसका आप लोगों को कर देना सिंपली यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, देख सकते हो सॉफ्ट लाइट। ठीक है, क्योंकि हम फेस को अभी व्हाइट करेंगे, स्मूथ करना होगा अभी व्हाइट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे लाइब्रेरी में, और एक ब्रासलेट कर लेना है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा। तो ये वाला सिलेक्ट कर लेना है ब्रास आपको। ठीक है, और इसका सेटिंग्स भी आप लोग देख सकते हो गाइस। ठीक है, साइज़ अपना मुताबिक से, और ओपेसिटी आप लोग को 100 ही रखना है। ओके, देन आप लोग को सिंपली आपसे क्रॉस कर देना है, और आपको क्या कर देना है यहाँ पर क्लिक। उसके बाद कलर पिकर से आप लोग को आपका फेस के जो सबसे ब्राइट पार्ट है, ठीक है, मतलब जिस टोन रखना चाहते हो फेस के ऊपर वो टोन सिलेक्ट कर लेना है कलर। और उसके बाद आपको फोटो को जूम करने के बाद, इस ब्रश की साइज़ सेट करने के बाद आपको फेस के ऊपर से चलाते जाना है। ठीक है, तो आपका फेस वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो गाइस अभी कितना फेस ग्लो कर रहा है ना, एंड मुझे पता है अभी उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग को भाई वीडियो को एंड तक देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से एडिटिंग होगा। ठीक है, सो मैं जल्दी जल्दी से चला लेता हूँ, ठीक है, ब्रश को। सो इतना हो जाने के बाद आप लोग को लेयर पे आ जाना है, एंड इसका जो अमाउंट है ऑपेसिटी आपको हल्का सा कम कर देना है, तभी देखने में रियलिस्टिक लगेगा। और यहाँ पर आने के बाद जो व्हाइट कलर है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका व्हाइट थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, इससे आपका फेस और भी बढ़िया लगेगा दिखने में। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक और न्यू लेयर क्रिएट कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया। एंड क्योंकि अब क्या करेंगे, अभी हम जो हमारा कपड़ों के कलर है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, और कलर में जाके आप जिस कलर में अपना कपड़ों के कलर रखना चाहती हो वो कलर आप लोग को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको कपड़ों के ऊपर सिंपली अप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से कपड़ों के कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कपड़ों के कलर कम्प्लीटली हो चुका है, और मैं फेस का थोड़ा सा ओपेसिटी हाई कर देता हूँ। ठीक है, और भी स्मूथ चाहे मतलब स्किन टोन लाइट चाहे तो मैं ओपेसिटी हाई कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली इस फोटो को हम कर लेंगे सेव टू डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो हमको वेट ज़रूरी करना पड़ेगा। एंड इतना हो चुके बाद आप लोग अपना जो फोटो स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड स्नैपसीड ऐप में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर टूल्स वाले आइकॉन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर एडजस्ट पे आने के बाद आप लोग को एम्बियंस को हल्का सा इंक्रीज कर देना है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है हाईलाइट, आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, और शैडो को भी हल्का सा बढ़ा देना है। देन आपको राइट पर क्लिक कर देना है, बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फिर से जाना है टूल्स पे, और अभी आप लोग को ये वाला सिलेक्टिव टूल सेलेक्ट कर लेना है। एंड फेस के जिस पार्ट को आपको लग रहा है डार्क है उसको आपको लाइट देना है, मतलब और भी व्हाइट करना है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से देन आप लोग को फिर से फोटो को सेव कर लेना है। एंड अभी इस फोटो को क्या करना है, यहाँ पर एक बार सेव करके आपको बैक आ जाना है, एंड हीलिंग वाला टूल की मदद से आपको अपना जो यहाँ पर बैकग्राउंड से अपना मॉडल को हटाना है। ठीक है, तो सिंपली मॉडल के ऊपर आप लोग को अप्लाई कर देना है हीलिंग वाला टूल्स, तो यहाँ पर मॉडल हट जाएगा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, एच डी आर इफेक्ट आप लोग को दे देना है इस फोटो के ऊपर। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद आप लोग को फिर से टूल्स पे जाना है, एंड टूल्स पे जाने के बाद आप लोग अभी लेंस ब्लर सेलेक्ट कर लेना। ओके, इसके बाद आप लोग को इसको जीरो कर देना है, एंड बैकग्राउंड आपको ब्लर कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसका ब्लर स्ट्रेंथ को मैं हाई कर देता हूँ 72 के अराउंड। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, नीचे की तरफ राइट वाला बटन है। ठीक है, क्लिक हो गया। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसको सेव कर लेना इस बैकग्राउंड को। ठीक है, एंड शेयर करके आप लोगों को इस बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सार्ट ऐप में। उसके बाद टूल्स पे जाना है, रिसाइज पे क्लिक कर लेना है। जो हाइट है, हाइट पर आप लोगों को 4x9 टैप कर देना है। देन रिसाइज पे क्लिक करने के बाद जो नंबर शो होगा वो सिंपली आपको यहाँ पर राइट कर देना है। ओके, इससे आपका बैकग्राउंड एकदम फुल एचडी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको ऐड फोटो पे जाना है, और अभी जो फोटो हम एडिट किए थे, ठीक है, स्नैपसीड ऐप में, उस फोटो को आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, फेस स्मूथ वाला फोटो। देन आप लोग इस फोटो को साइज़ को इंक्रीज कर देना बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो
कटआउट वाला टूल्स दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको पार्सल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड सिलेक्शन हो जाएगा एंड बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा यहाँ पर मॉडल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है एंड एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो देख सकते हो गाइस हमारा बैकग्राउंड कितना ब्लर हो चुका है, अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो गया। अभी आप लोग को फिर से टूल्स पे जाना है एंड टूल्स पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, एडजस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पर क्लैरिटी को आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना सिंपली, एंड उसके बाद जो शैडो हो शैडो को आप लोग को हल्का सा डिक्रीज कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी एक चेंज करना है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को आप लोगों को हल्का सा बढ़ा देना, एकदम हल्का सा, ठीक है। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है एंड गाइस देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा फोटो, है ना, एकदम फुल एचडी में हमारा फोटो एडिट हो चुका है। अभी सिंपली आप लोगों को ड्रॉ टूल पर जाकर 3 डॉट पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर देना, ठीक है। तो होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।